लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा था फ्रैक्शंस को कि कौन सा जो है फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हाउ कैन वी अरेंज एनी फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, एट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द डिनोमिनेटर्स या और वी कैन से ऑल द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर. हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने भी फ्रैक्शन हैं उसके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उसका हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा. तो क्या है आपका डिनोमिनेटर में 5, 10, 9, 15 and 3. हाउ कैन वी गेट इट, फर्स्ट वी हैव टू टेक अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज 2. नाउ 2 फाइव या 5 नहीं यहां पर 5 को हम लोग को लिख देना होगा जो करते हूं. हियर इज 5. नाउ 9, 15 and 3. क्लियर. अब हम देखेंगे क्या 2 से इन सभी में किसी भी नंबर से जो है सो ये डिवाइड हो रहा है नहीं. तो नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसको हम लोग लेंगे. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 3. 3 से देखते हैं, 3 से देखते हैं यहां पे जो है 2 में आपका जो है ये लग रहा है. 3 से 5 नहीं हो रहा, 5 क्यों होगा, तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे 5 लिख देंगे, यहां पे 9 आता है पर कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में. इसमें भी आपका आएगा 5 टाइम्स में और इसमें भी आपका. वंस अगेन फिर हम लोग देखेंगे, 3 से देखते हैं कोई होता है, लेकिन यहां एक नजर आ रहा है, यहां पे आपको 3, यहां जो होगा तो क्योंकि 5 में होगा नहीं, ये 1, ये 5, ये 1. अब देखते हैं क्या 3 से किसी में होगा, नहीं होगा. नेक्स्ट जो है उससे जो है जस्ट बड़ा जो आपका जो है ये प्राइम नंबर है वो है 5. 5 से लेते हैं 5 1 1 1, हियर 1 एंड 1. नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 5. व्हाट विल बी द नंबर, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 19. That means LCM is 9. Clear? Now how can we are going to convert in like fraction? At first we have to write first fraction 3/5. That means 3/5 into. अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आएगा. आप लोग को डिवाइड करके आप लोग पता कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 टाइम्स में जब हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 90 आता है. तो ऊपर भी 18 लिखेंगे, ये नीचे भी, नीचे 18 लिख दिया, ऊपर भी हम लोग वही 18 लिखेंगे. अब कितना हो गया ये 54/9. क्लियर. नाउ वी आर टेकिंग सेकंड फ्रैक्शन 9/10. Now write similarly as above. We have to look how in how many times 90 comes in tens table. It comes in 9 times. So therefore we have to write 9 here and 9 on the table. Now here is 81/9. Similarly, we are going to take next fraction 4/9. 4/9. 9 की टेबल में देखिए कितने टाइम्स में आता है 90, 10 टाइम्स में, तो यहां पे भी हम लोग 10 लिखेंगे. दैट इज 40/9. फिर उसके बाद हमारा जो है 6/15 है और 2/3 उसी तरह से हम लोग करते हुए हम लोग चलिए 6/15 में देखते हैं. उसी तरह से लिखेंगे 6/15 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 6 टाइम में. तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 6 लिखते हैं, यहां 36/90. और लास्ट हमारा क्या है 2/3. 2/3 दैट मींस 2, हियर इज 3. 3 को जो है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा 30 टाइम्स में.
ये हो गया 30 ऊपर नीचे लिखिए 32 + 60 / 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग जो है अरेंज कर लेंगे किस ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग इसको एक जगह लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। आप लोग जो है इसके नीचे करेंगे, मैं यहां पे एक लाइन की दे रहा हूं, ये सभी को यहां पे लिख ले रहा हूं 54 / 90, 81 / 90, 40 / 90, 36 / 90 and 60 / 90। ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट अ स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फर्स्ट एट फर्स्ट। Which fraction is the smallest? That is this. Here is 36 / 90. Next, which is just greater than 36 / 90? Second number, this number come here. 40 / 90. Again, which is just greater than this number, this fraction? This is 54 / 90. And next. At fourth position, 60 / 90, on and which is greatest in this is 81 / 90. Understand? Now, तो ये इसको हम लोगों ने क्या किया? Ascending order में सजा दिया। सबसे पहले छोटे छोटे कौन सबसे छोटा कौन है? 36 है, उसको लिखा। उसके जस्ट बाद 40 वाला है, वो लिखा। उसके जस्ट बाद ये आपका 54 वाला है, फिर 60 है, फिर 81 है। इस तरह करते हुए हम लोगों ने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इट्स एक्चुअल वैल्यू विच इज रिटेन इन क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको जो है यहां पे लिख देंगे। जैसे 36 / 90, दैट मीन्स 36 / 15, 6 / 15. Next, 40 / 90, that means 4 / 9. 54 / 90, that means 3 / 5. 60 / 90, that here is 2 / 3. And 81 / 90, this is 9 / 10. This is your answer. तो आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्स में कर देना है। यही क्वेश्चन अगर हमारे जो है असेंडिंग के जगह डिसेंडिंग रहता तो हम लोग क्या करते, सेम प्रोसेस यहां तक तो कंप्लीट करते। यहां तक हम लोग जो है सो हम लोग क्या करते, इस नंबर को यहां के यहां तक हम लोग सेम जो है लिख देते और उसके बाद यहां ऑर्डर जो है हमारा चेंज हो जाता। सबसे पहले इसमें क्या करते, जो ग्रेटेस्ट है उसको सबसे पहले लिखते। जैसे 81 / 90 को सबसे पहले लिखते, फिर 60 / 90 को लिखते, फिर 54 / 90, 40 / 90 और लास्ट में 36 / 90 को लिखते। और साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है उसके इसमें ये साइन हमारा आंसर हो जाता है। और आंसर में भी आप फिर क्या करते, उसका ओरिजिनल वैल्यू जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख करके उसका साइन चेंज करते हुए आप लोग लिख देते। तो उम्मीद तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है समझ लिए होंगे। और आप लोगों के लिए होमवर्क जो है आज के लिए है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग लिख दीजिए इधर डायरी में होमवर्क, AEW में डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर आगे हम लोग देखेंगे आपके जो बुक में क्या है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। और आप लोग जो है सो घर में अपना जो है पढ़ते रहे, सभी सब्जेक्ट को जो है आप लोग फॉलो करेंगे, सभी सब्जेक्ट पे उतनी ही मेहनत करेंगे मैथ के साथ साथ। आपके जो है टीचर्स आप लोगों को जो है यूट्यूब वीडियो पे या व्हाट्सएप पे आपके पास जो है सो मटेरियल भेज रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है क्लास 6 से 10 के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी आ रहा है। तो
क्लास सेवन के बच्चे आप लोग यूट्यूब के साथ साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।